हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टारगेट ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, टारगेट ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 27 नवंबर 2018। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताने देना चाहता हूँ कि जो हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर जाइए और वहाँ पर मैंने व्हाट्सअप्स और ई संदेश मैसेंजर ऐप इनकी लिंक दी हुई है, ये डाउनलोड कीजिए और हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि आपको विभिन्न एग्ज़ाम्स के जितने भी स्टडी मटेरियल हैं वो प्रोवाइड हो सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की ओर। भारत और चीन का विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता का 21वां दौर निम्नलिखित में से किस स्थान पर संपन्न हुआ? अभी सीमा वार्ता हुई है भारत और चीन के बीच में, वो किस स्थान पर हुई है? तो ये हुई है चेंगडू में और ये है चीन में। चेंगडू चीन में ये वार्ता हुई है और इसमें जो है 24 नवंबर 2018 को दक्षिण पश्चिम चीन के चेंगडू शहर के पास डूजियानिया में यह आयोजन हुआ है। इसमें ये जो आयोजन है ये किस किस के बीच में हुआ है? ये हुआ है भारत और चीन के बीच में। अब भारत की चीन के बीच में हुआ है तो भारत से जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोवाल, उन्होंने भाग लिया है और चीनी पक्ष से थे चीनी विदेश मंत्री राज्य और काउंसिलर वांग यी। इन्होंने सीमावार्ता की है और उस पर यह चर्चा करी है कि जो भारत और चीन की सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर शांति बनाए और भारत चीन निकट विकास साझेदारी पर काम करें, ये डिसीजंस लिया गया है इस सीमावर्ता में। बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में पाकिस्तान के किस स्थान पर भारत पाकिस्तान के बीच गलियारा बनाए जाने के लिए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने डेरा बाबा नामक में शिलान्यास किया है। ये जो है भारत पाकिस्तान के बीच में गलियारा बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है करतारपुर में। हाल ही में जो गुरु नानक देव जी थे उनकी 550वीं जयंती मनाई गई है, उसको मद्देनज़र रखते हुए जितने भी सिख श्रद्धालु हैं उनके लिए करतारपुर जो कि अभी पाकिस्तान में है वहाँ पर करतारपुर कॉरिडोर खोले जाने की मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब इस कॉरिडोर के खोले जाने से क्या होगा? जितने भी भारतीय सिख हैं बिना वीज़ा के गुरुद्वार में मत्था टेक सकेंगे। ये जो सिख समुदाय हैं ये अभी पिछले 70 साल से दर्शक के लिए मतलब वहाँ पर दर्शन के लिए वीज़ा फ्री कॉरिडोर खोलने की मांग कर रहा था। अभी इन्हें वहाँ पर जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है और ये मंजूरी दे दी है मोदी सरकार ने, अब ये बिना वीज़ा के वहाँ पर जा सकेंगे, ऐसा एक करतारपुर में कॉरिडोर खोला जा रहा है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। अरण्य महासागर छाया मत छूना मन नामक उपन्यास किस लेखक ने लिखे हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ये लिखे हैं इन्होंने और इनका नाम है हिमांशु जोशी। ये प्रसिद्ध साहित्यकार, उपन्यासकार और लेखक रहे हैं और इन्हें प्रसिद्ध कथाकार और पत्रकार हिमांशु जोशी के नाम से जाना जाता है और इनका निधन हो गया है। इनके लिखित उपन्यास है अरण्य महासागर छाया मत छूना मन, काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। इन्होंने उपन्यास, कहानी, कविता, स्मरण और यात्रा स्मरण सहित साहित्य की लगभग सभी विधियों में लिखा है। ठीक है, और ये रहने वाले कहाँ के हैं? ये रहने वाले उत्तराखंड के चंपावत के। अब उत्तराखंड की बात आती है तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। हाल ही में किस भारतीय महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी ने छठा विश्व चैंपियन स्वर्ण पदक
जीत कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में जो महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी हुई थी उसमें इन्होंने, और इनका नाम क्या है, मैरी कॉम, इन्होंने अपने जो है छठा विश्व चैम्पियनशिप स्वर्ण पदक जीत लिया है। ये छः स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही महिला और पुरुषों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला बन गई हैं। और इन्होंने यूक्रेन की हेना ओखोटा को हराया है। और ये जो आयोजन हुआ था विश्व मुक्केबाजी चैम्पियनशिप का, ये हुआ था नई दिल्ली में, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है। साथ ही साथ इसमें इन्होंने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, 6 स्वर्ण पदक जीते हैं अभी तक विश्व मुक्केबाजी चैम्पियनशिप में। अभी तक जितने भी चैम्पियनशिप हुई थी उसमें इन्होंने 6 स्वर्ण पदक जीते। इससे पहले जो है ये जो स्वर्ण पदक जीता है, ये जीता है 2018 में, और ये जीता है 48 वर्ग किलो केजी की वर्ग में। अब इससे पहले जो विश्व बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जीते हैं इन्होंने, वो जीते हैं 2002 में, 2005 में, 2006 में और 2008 में। इन संस्करण में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। भारत के किस शहर को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक सतत शहर 2025 कार्यक्रम के लिए चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है वैश्विक सतत शहर चुना गया है, और वो चुना गया है नोएडा। नोएडा को चुना है इन्होंने, और इसी के साथ साथ नोएडा और ग्रेटर नोएडा, ये उत्तर प्रदेश के दो सिटी चुनी है, शहर चुने हैं इन्होंने ग्लोबल सस्टेनेबल शहर 2025 में पहल में ये भाग लेने के लिए चुना गया है इन्हें, और इन्हें यूनिवर्सिटी सिटी श्रेणी में चुना गया। वैसे तो मुंबई और बेंगलुरु इनको पछाड़कर नोएडा और ग्रेटर नोएडा को संयुक्त राष्ट्र ने चुना है। अब ये जो संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, ये शहरों की पहल द्वारा 5 श्रेणियों में दुनिया भर के कुल 25 शहरों का चयन किया गया है इसमें। अब बात आती है संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। अब इसके जो अभी अध्यक्ष हैं वो कौन है, वो है सेक्रेटरी जनरल बोला जाता है उन्हें, और वो है एंटोनियो गुटरेस। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। किस ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को कितने विकेट से हराकर चौथी बार महिला टी20 विश्व कप का खिताब जीत लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा दिया है और ये महिला टी20 का खिताब जीत लिया है, और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से हराया है। तो इसका आंसर से 8 विकेट। अब बात करते हैं अभी जो फिलहाल जो 24 तारीख को फाइनल हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा दिया है। इंग्लैंड ने 105 रन बनाए थे, जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने ये जो स्कोर है वो 15.2 ओवर में ही जीत लिया है, और उन्होंने 2 विकेट खोकर ये रन बना लिए हैं। अब बात करते हैं इसके प्लेयर ऑफ द मैच की, तो प्लेयर ऑफ द मैच का रिकॉर्ड जो गया था वो गया है एशलेट गार्डनर को। एशलेट गार्डनर ने प्लेयर ऑफ द मैच के रूप में चुना गया है। ऑस्ट्रेलिया की जो एलिसा हेली है उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। ये जो आयोजन हुआ था महिला टी20 विश्व कप का, ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था वेस्ट इंडीज के एंटीगुआ में। यहाँ पर इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीत दर्ज करी। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। उत्तराखंड के कैमिडेंट ने किस शहर में स्थित जोली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने को प्रस्ताव को किया है, पास किया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी नाम रखा जाएगा, और ये एयरपोर्ट जोली ग्रांट एयरपोर्ट ये है देहरादून में, देहरादून में है ये उत्तराखंड के, और
इसका नाम है जोली ग्रांट एयरपोर्ट। इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम रख दिया गया है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। किस भारतीय अभिनेत्री को एशिया प्रशांत स्क्रीन अवार्ड्स 2018 में FIAPF से सम्मानित किया गया है? जो एशिया प्रशांत स्क्रीन अवार्ड्स 2018 है उससे सम्मानित किया गया है नंदिता दास को। ये एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं और इन्हें यह पुरस्कार मिला है 2018 का। अब ये जो है ये फिल्म निर्माता कंपनी फिल्म निर्माता भी है नंदिता दास। इन्होंने 29 नवंबर को ब्रिस्बेन में 12वें एशिया प्रशांत स्क्रीन अवार्ड्स जो APSA है में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशंस पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया जाएगा। ये है नंदिता दास और इन्हें यह पुरस्कार मिला है एशिया प्रशांत स्क्रीन अवार्ड्स 2018। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। कौन सा फिल्म निर्माता 49वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स प्राप्त करता है? जिन्हें ये लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड्स मिला है 2018 के IFFI में और ये जो 49वां संस्करण हुआ है ये हुआ है गोवा में और इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स मिला है डॉल वॉलमैन को। डॉल वॉलमैन को ये पुरस्कार मिला है और ये जो संस्करण हुआ है ये हुआ है 49वां संस्करण गोवा के पणजी में और इसमें जो इसराइल है वो फोकस देश के रूप में और जो झारखंड है वो फोकस राज्य के रूप में रहा है। और ये जो इजरायली फिल्म निर्माता हैं डेन वॉलमैन इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है इस फिल्म फेस्टिवल में। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नीतीश कुमार ने 25 नवंबर 2018 को भगवान बुद्ध की 70 फीट लंबी मूर्ति का अनावरण किया है। यह अनावरण कहाँ किया गया है? यह अनावरण किया गया है राजगीर में। राजगीर में इसका अनावरण किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कि बिहार के मुख्यमंत्री है। और ये राजगीर जो है ये कहाँ है? बिहार में। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है। गौतम बुद्ध की जो मूर्ति है उसका अनावरण हुआ है नालंदा जिले के राजगीर में। ये इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 70 फीट लंबी मूर्ति है। यह देश में बुद्ध की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है। घोड़ा कोरारा झील के बीच में 16 मीटर त्रिज्या के पेडस्टल से ऊपर मूर्ति स्थापित की गई है और यह गुलाबी बलुआ पत्थर से बनाई गई है। इससे क्या होगा? यहाँ पर पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर। महिलाओं के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया गया? ये जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए दिवस मनाया गया है ये मनाया गया है 25 नवंबर को और ये जो है ये मनाया गया है एलिमिनेशंस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स। ये मनाया गया है 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए। हर साल 25 नवंबर को ये मनाया जाता है और इस कारण का समर्थन करने के लिए 2008 में संयुक्त राष्ट्र ने एक पहल शुरू की गई। इसे महिलाओं के खिलाफ हिंसा समाप्त करने के लिए एक साथ आने के रूप में जाना जाता है। इस वर्ष का जो यूनाइटेड अभियान है उसका जो विषय रहा है वो रहा है ओरेंज द वर्ल्ड #AyareMeToo। ये इसका विषय रहा है ओरेंज द वर्ल्ड #MeToo। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में सीके जाफर शरीफ 25 नवंबर 2018 को बेंगलुरु में निधन हो गया है। यह एक थे, यह क्या थे? यह एक थे राजनीतिज्ञ, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे ये और इनका निधन हो गया है। ये पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री रह चुके हैं
सी के जाफर शरीफ इनका नाम है और इनका 85 वर्ष की उम्र में बेंगलुरु में निधन हो गया है। अब ये जो हैं 1991 से 1995 तक जो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी उसके तहत ये रेल मंत्री थे तथा साथ ही साथ 1980 से 1984 तक ये रेलवे राज्य मंत्री पर रहे हैं। इन्होंने कोयला, सिंचाई जैसे अन्य केंद्रीय संघ पोर्टफोलियो के लिए भी संभाला है। कुल मिला के शरीफ ने संसद के सदस्य के रूप में 7 पदों पर कार्य किया जिसमें से अंतिम 1999 से 2000 तक था। इनका निधन हो गया है और इनका नाम है सी के जाफर शरीफ और ये प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे। ठीक है दोस्तों, ये था आज का मेरा करंट अफेयर्स। मेरे इस चैनल को आप शेयर करें अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को ताकि उन्हें भी इस चीज़ का पूरा यूज़ मिल सके। मेरा ये मानना है कि मेरे अगर करंट अफेयर्स आप 10 मिनट देखते हैं तो करंट अफेयर्स से आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना होगा। मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए और हमारे इन ग्रुप्स जुड़ जाइए ताकि आपको सारा स्टडी मटेरियल जो आने वाली एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए मिल सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।